खबर हांडिया। प्रयागराज से जावतराव थाना क्षेत्र के चिठौली गांव की एक बूढ़ी मां ने मुख्यमंत्री और पुलिस अफसरों को पत्र देकर अपने बेटे की हुई हत्या की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। चिठौली गांव निवासी पन्नालाल सोनकर का सबसे छोटा बेटा मुकेश कुमार जो गांव में स्थित कॉलेज में इंटर का छात्र था, बैरहना स्थित फल गोदाम में काम भी करता था। 24 जुलाई को बुलाने पर अपने बड़े भाई की साली शिवानी जिससे उसका प्रेम संबंध था मिलने सैदाबाद बाजार आया। आरोप है कि शिवानी के भाई चाचा और मां ने मिलकर मुकेश की हत्या कर उसके शव को घर के पास ही एक कुएं में फेंक दिया। वही मुकेश की मां और भाई राकेश मुकेश की खोज में दर बदर भटकते रहे लेकिन हत्या करने वाले कुछ भी जानकारी नहीं दिए। उसकी बाइक सैदाबाद पुलिस चौकी के पास लावारिस स्थिति में मिली तो हांडिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ करने पर शिवानी ने मुकेश का शव पास के ही कुएं में होने की बात बताई। पुलिस ने शव को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट की बात सामने आई है जिससे पकड़े गए आरोपी लोग छोड़ दिए गए। मुकेश की बुढ़ी माँ और भाई राकेश का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ नाइंसाफी की गई है, डॉक्टर ने पैसा लेकर गलत रिपोर्ट दिया है। साफ न मिलने पर बेटे की हत्या से आहत बुढ़ी माँ और भाई ने मुख्यमंत्री डीएम और पुलिस अफसरों को पत्र देकर पुनः शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की गुहार लगाते हुए बेटे की हत्या में शामिल लोगों को जेल भेजने की मांग की है। ये घटना हुई कि हमारा बेटा रात रहा बहराना से लड़की फोन लगाया, आप बुलाया हमको 5-6 बजे हुआ पहुँचो, हमको लड़का नहीं मिल रहा था। हम सब तो फोन लगाते, हम परेशान हो गए रिश्तेदारी हम कहो नहीं पाया। अब थाने मैं चौकी पाए, हमको कहाँ उतराऊँ सब कहाँ हट गया जा, हम यही में परेशान हो गया सर जी, हमारी कोई सुनाई नहीं, हमारा लड़का मार के घटना करके आपको हम फेंक दिया शिवानी के चक्कर में उन्हीं में फंसा, घर जाते रहे हम मना करते रहे कि ना जा, हमारा बेटा वो कसम खा लिया साहब चोरी में गया तो हमारा बेटा पकड़े करके हत्या किया, हमको बताया कहे नहीं, हमको साथे शादी कराई दी जबरदस्ती मार की। बबलू मनोज पप्पू शिवानी महुआ डीह की, उसकी लाश कहाँ मिली थी? महुआ डीह में कुआं में मिली थी। पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हम रोने पीटने में भिजी रह गए, आप पुलिस दरोगा जबरदस्ती जय कहात उतराऊ जात वो क्यों कहात हुआ जात वो, हम लोग सड़क पर अंधेरिया रात में भागते रहे, हमको कोई पता ना है रोने के आगे। अब पुलिस दरोगा ले ले घूस खा के ले ले भाग गए, डॉक्टर ले गए, अब जब हमारी लहास गलत दवाई है जीभ निकली है तो हमको जबरदस्ती कह रहा है कि संफल गिरा है कुआ इनारा में। आप क्या चाहते? आप हमें चाहे थे कि हमारा जो सजा उसके चाहिए ना, हम जैसे हम लड़का की हत्या की है हमको उसको सजा चाहिए ना, हमारा एक लड़का और भी किया बा उसकी सुनवाई नहीं है, आज वो हमारे साथ फिर घटना कर जाएगा। हम चाहे थे सर जी और कुछ नहीं चाहे, जैसे हमारा हत्या हुआ बेटा वैसे उसका सजा चाहे, हमारे थाने जाते हमारे कोई सुनाई नहीं हुआ, हम 5-10 रोज से हम रोते रोते हम पागल हो गई है, हमारे उसके साथ हमारी जान निकल गया, तब हमारे सर जी हमारे फतेह जी हम बुढ़ाए के पाले इतने दिन पढ़ाए, हमको कोई नहीं सारा दे के बांटे हुए हमको खर्चा। लड़के का नाम क्या था? मुकेश। कहाँ उसका? सिठौली रहा था, सिठौली हमारा घर है सर जी नहरा पे। प्रशासन और प्रशासन से क्या मांग रखती हैं, क्या आप चाहती हैं कि क्या आपके साथ अब क्या होना चाहिए जिससे उसका न्याय मिले? न्याय हम चाहे कि उनको जेल चाहे उनको सजा चाहे, हमको न्याय कि कैसे गलत हुआ है हमारे लड़का के साथ ही मार के फेंकोगे हम सजा हम उठाए सजा ना उठाए सर जी, हमारी सजा उठावा थे हमारे बच्चे मरवाए था समय करे खिया गेरा हमारे बेटा हमको रहन दे हमारा समझी भी रहा, इसी समझ को प्रशासन कोई नहीं दिया और हमारा लड़का हम नहीं जान रहे कि हमारा लड़का हद की सिटाली टंकी सर उतरा हूँ। क्या समस्या है यार? मेरी ये समस्या सर, मेरे भाई के साली से मेरा छोटा भाई है मुकेश कुमार सोनकर सर, वो बैराना फल मंडी से समय 5 बजे वहाँ से 24 तारीख को निकला था सर, उसकी लावारिस बाइक वहाँ सैदाबाद मिली सर, और एफआईआर दर्ज कराने पर इंस्पेक्टर साहब एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, और उस थाना हड़ी है सर। उसके बाद सर उसका पोस्ट लाश वहाँ उनके मार कर उनके बबलू और शिवानी और उनके चाचा हैं पप्पू और मनोज,
ये सब मार कर सर उसकी लाश को मार कर सर कुएं फेंक दिए सूखे को पता चला था मार दिए सर चार पांच दिन बाद उन्हें के माध्यम से उनके जब पुलिस ने वहाँ कैसे पहुँचा इसके बारे में कैसे आप जानते हैं कि वहाँ पहुँचा वहाँ मार जब सर उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा शिवानी को और बबलू को मनोज को उन्हीं के माध्यम से सर मालूम हुआ उन्हीं के माध्यम से मालूम चला कि वहाँ पर मार कर फेंक दिया गया सर फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद सर मेरा पोस्टमार्टम में सर गड़बड़ी हो गया सर डॉक्टर ने पैसा लेकर गलत बना दिया रिपोर्ट सर क्या पोस्टमार्टम में क्या आया है हत्या हत्या आया है पोस्टमार्टम में सर कुछ हत्या दिखाई नहीं रहा हम ये चाहते हैं सर से कि दोबारा पोस्टमार्टम हो और ये चाहते दोबारा जांच बैठे सर निष्पक्ष जांच हो निष्पक्ष जांच हो सर